इस्लामिक स्टूडेंट्स, ओके बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अब टॉपिक है वो आज हमने डिस्कस करना है, वो है बेटा रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। ठीक है, ये आज हमने डिस्कस करना है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। ठीक है, देखो बेटा लाइट और जो क्लोरोफिल है इसका क्या रोल है, ये हमने आज डिस्कस करना है। अब देखो बेटा आपके पास क्लोरोफिल और जो लाइट है ना, इसका एक बहुत ही अहम रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इफ देयर इज नो क्लोरोफिल सो देयर इज नो लाइट। ठीक है ना, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर सनलाइट नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल और जो लाइट है ये दोनों ही बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, ये दोनों ही बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बेटा ये किस तरह से अपना एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, कि ये चीज आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कुछ हाइडिंग्स यहाँ पे आपको मैं बनवा दूंगा और उन हाइडिंग्स के ऊपर आप लोगों ने इनको आगे मार्क करना है। जस्ट अ मिनट, ओके बेटे, तो अब मैं आपको यहाँ पे पहले एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर मेन जो प्रोसेस हो रहा होता है वो ये है कि बेटा जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और बेटा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कन्वर्ट करते हैं इंटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बेटा पहली बात कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसको कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। अब बात ये है कि ये किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा होता ये है, इसके पीछे जो प्रोसेस है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि जो भी, ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल पर गिरेगी, ठीक है, वो क्लोरोफिल उस सनलाइट से सोलर एनर्जी लेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो क्या कर रहा है कि सोलर एनर्जी ले रहा है, और उस सोलर एनर्जी से वो बेटा क्या करेगा कि वो जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर बेटा, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब होता ये है कि बेटा जो सनलाइट है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, अब उस एनर्जी से वो जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो केमिकल एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके बेटे, अब बात ये है कि सनलाइट के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है। देखो बेटा हमारे पास सबसे पहली बात है कि जो सनलाइट है ना ये कोई एक लाइट नहीं होती, इसके अंदर जो है ना हमें डिफरेंट लाइट्स मिलती हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट लाइट्स, जिसे हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ्स कह सकते हैं। यानी कि एक जो सनलाइट है इसके अंदर हमें क्या मिलती है बेटा, डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल जाती हैं। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब क्या है, उनकी पावर। जो सनलाइट होती है ना उसके अंदर हमें डिफरेंट 7 वेवलेंथ्स मिलती हैं। ठीक है बेटा, डिफरेंट 7 वेवलेंथ्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सनलाइट के अंदर हमें डिफरेंट 7 लाइट्स मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये शो करूँ तो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एक रेनबो नजर आ रहा है, बेसिकली ये रेनबो जो है ना ये सनलाइट की एक रिफ्लेक्शन है जो आपको दिखाई गई भी है। अब देखो बेटा बार दफा ऐसा होता है कि जब बारिश होती है ना तो बारिश के बाद पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, वो एयर के अंदर रह जाते हैं।
और बाद दफा सन इस एंगल पे आ जाता है कि उसकी लाइट उन ड्रॉप्स में रिफ्लेक्ट होती है और वो डिफरेंट सेवन लाइट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो डिफरेंट सेवन लाइट्स हैं, ठीक है, जो आप लोग देखते हैं, इन सेवन लाइट्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी मौजूद है, ठीक है बेटा, इनके अंदर डिफरेंट एनर्जी मौजूद है। अब ये जो डिफरेंट सेवन वेवलेंथ्स हैं, इन्हें क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा और इसी की एनर्जी को, जो इसके अंदर एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर। तो जी बच्चे, ये हमारे पास मेन चीज जो है वो ये है इसमें समझने वाली, ठीक है, कि ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। अब मैं आपकी बुक के ऊपर वापस आता हूँ। वो कहता है कि सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, विच ड्राइव्स टू फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जो कि इस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को भी चलाते हैं। यानी कि एक तो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में, और बेटा यही केमिकल एनर्जी जो है वो पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाएगी। कैसे चलाएगी? एक सीधी सी बात है, आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि बेटा क्लोरोफिल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ एक काम और भी कर रहे होते हैं, और वो क्या कि बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस वाटर मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर देते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक करने से एक तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, पहली बात क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन आयन। दूसरी चीज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे इस पूरे मैकेनिज्म को चला रहे होते हैं जिससे एटीपी बनेंगे, एनएडीएच प्रोड्यूस होगा, यानी एनएडीपीएच प्रोड्यूस होगा, और फिर वो आगे डार्क रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वाटर ब्रेक नहीं होगा तो याद रखिएगा बेटा, कभी भी फोटोसिंथेसिस कम्प्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वाटर ब्रेक नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं सर्कुलेट होंगे तो एटीपी नहीं बनेगा, और दूसरी बात है हाइड्रोजन नहीं बनेगा तो एनएडीपीएच नहीं बनेगा, जिसकी वजह से डार्क रिएक्शन भी कंटिन्यू नहीं होता। यही वजह है कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, क्योंकि सनलाइट नहीं है। सनलाइट के ना होने की वजह से वाटर का ये जो ब्रेक होना है और इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना, ये सारा प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से ना एटीपी बनती है ना एनएडीपीएच बनता है, और वो सारा प्रोसेस रुक जाता है। ओके बेटे, तो इस लिहाज से ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो यही आपसे कह रहा है कि ये जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बेशक आपने अगर हाइडिंग देनी है तो हाइडिंग भी आप दे सकते हैं बेटा, सनलाइट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे आप हाइडिंग दे दें सनलाइट एनर्जी। अब जो इसके बाद नेक्स्ट टू लाइन्स हैं यहाँ तक जो आप हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं, इस पे आप हाइडिंग दे दें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब देखो बेटा, जितनी भी सनलाइट एक लीव पे गिरती है उसका सिर्फ 1% है जो लीव एब्जॉर्ब करता है, बाकी तमाम की तमाम जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यानी कि जब सनलाइट जो है वो जब लीव के ऊपर गिरेगी तो बेटा वो 100% लाइट जो है वो यूज नहीं होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लीव है, अब जब लीव के ऊपर सनलाइट गिरती है तो बेटा सनलाइट के गिरने पर प्रॉपरली जो है वो लाइट यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उसका 1% जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाकी जो लाइट होगी ना बेटे, ठीक है, जो लाइट है वो बेटा यहाँ से क्या कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, ठीक है, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है या उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, सिर्फ उसका 1% जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, 1% एब्जॉर्ब होगा, 99% जो है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लिहाज से वो आपसे बात कर रहा है कि जो सनलाइट है वो इस तरह से एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर आपने हाइडिंग दे देनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और जो नेक्स्ट है अब यहाँ पर ये जो रिमेनिंग है इस पे आप हाइडिंग दे दें बेटा, हाइडिंग थोड़ी सी बड़ी बनेगी इसकी, डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस, डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
ये बेटा इसका हाइडिंग होगी, ठीक है, डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, ठीक है, ये थोड़ी सी हाइडिंग इसकी लेंथ ही है, लेकिन इसकी हाइडिंग ये बनेगी। अब वो क्या कहता है कि देखो बेटा, अब ये जो लाइट रेज है, मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास जो सनलाइट होती है इसमें एक लाइट नहीं होती बल्कि दे आर डिफरेंट सेवन वेवलेंथ्स, ठीक है, इसमें डिफरेंट सेवन वेवलेंथ्स होती है, इसमें डिफरेंट सेवन लाइट्स मौजूद होती हैं। अब ये जो डिफरेंट सेवन लाइट्स हैं, ये ना सिर्फ डिफरेंट क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि इसका फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट रोल होता है। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा लाइट है वो बेटा ब्लू और रेड लाइट है जो फोटोसिंथेसिस को करवा रही होती है, ठीक है, क्योंकि इन लाइट में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है और बेटा इससे पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इसके अंदर से ये रेड और जो ब्लू लाइट है इनकी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होती है और ये मैक्सिमम एनर्जी लाइट की जो मैक्सिमम एनर्जी है इट हैज एबिलिटी टू ब्रेक, ये बेटा इसको ब्रेक कर देती है वाटर मॉलिक्यूल को। इसलिए वो कहता है कि रेड और ब्लू लाइट जो है इट कैरी आउट मोर फोटोसेंसिस, इसमें ज्यादा फोटोसेंसिस करने की एबिलिटी होती है। ओके बेटा, द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंटली अब्सॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बट आर आल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन फोटोसेंसिस। The blue and red lights carry out more photosynthesis. इसका हेडिंग आप लोगों ने बना के भी है। अब नेक्स्ट पेज पे आप आ चुके होंगे, नेक्स्ट पेज पे अब आप लोग हेडिंग देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम्स की हेडिंग आप देंगे, ये जो हिस्सा आप लोग हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं इस हिस्से पर आपने हेडिंग देनी है फोटोसिस्टम्स की हेडिंग आएगी बेटा इसके ऊपर। अब देखो बेटा, ये जो फोटो सिस्टम है ये क्या चीज होती है, ये मेरे पास एक क्लोरोफिल है, राइट, अब इसके अंदर ये बेटा मेरे पास जो है ना इसके अंदर छोटे छोटे पोर्शन थे जो कि आपने पढ़े थे जिसमें मेनली क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है ना ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटे, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी कि कलर है, ठीक है, पिगमेंट मतलब कलर है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर अरेंज हुआ होता है, ठीक है। अब ये समझ लें ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो आप ग्रीन सर्कल देख रहे हैं ना ये बेटा ग्रीन पिगमेंट है जो कि मेन फोटोसेंसिस कर रहे होते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स आप देख रहे हैं ना ये वाले जो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये बेटा कम्प्लीट एक फोटो सिस्टम कहलाएगा, हम इसे नाम देंगे कि ये क्या है, फोटो सिस्टम्स, ये फोटो सिस्टम्स कहलाएगा, ठीक है। फोटो सिस्टम्स क्या है, हम कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम्स या बेसिकली इट इज अ क्लस्टर, ये एक क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब है ग्रुप है, ठीक है, किसका, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब एक क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं ऑन अ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, सो दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम, हम इन्हें फोटो सिस्टम्स का नाम देंगे। आपकी बुक की वर्डिंग भी आपसे यही कह रही है, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एक जिसे हम बोलेंगे क्लोरोफिल ए जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो कि रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और मेनली फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप अपनी लाइट रिएक्शंस की डायग्राम पे आए तो इस लाइट रिएक्शन की डायग्राम में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं मैं इसे क्लोरोफिल ए कह सकता हूँ क्योंकि ये रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बेटा इससे वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और इससे पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जबकि ये वाला जो देख रहे हैं ना आप ये वाला पोर्शन, इसे मैं नाम दूंगा क्लोरोफिल बी, ये जो है ये रेड एंड ब्लू लाइट्स को छोड़कर बाकी जो लाइट्स हैं ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है, और इसका भी रोल है जो यहाँ उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट वो कहता है यहाँ पर आप हाइडिंग दे दें एसेसरी पिगमेंट्स, या हाइडिंग आएगी बेटा एसेसरी पिगमेंट्स। अदर्स आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं बेटा जो के फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रही होती हैं, तो ये एसेसरी पिगमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल बी ये एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। अब जो रिमेनिंग यहाँ तक जो लाइन्स हैं इस पर आप हाइडिंग दे दें absorption of light, यहाँ पे आप हाइडिंग दे दें absorption of light, हाइडिंग दे दें आप
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट्स, सम वेवलेंथ्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए। अब वो क्या कह रहा है कि जो क्लोरोफिल्स हैं वो मेनली ब्लू और रेड लाइट्स का एब्जॉर्ब करते हैं और जो बाकी वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, सम वेवलेंथ्स नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और वो बेटा कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। यानी कि आप ये समझ लें कि जो क्लोरोफिल ए है ये रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जो बाकी लाइट्स हैं वो कौन एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, जिन्हें हमने नाम दिया एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। तो जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, ये रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो बाकी लाइट्स हैं इसे कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था।